वेलकम बैक टू द चैनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट 1 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो हमने उसमें जाना प्लांट फर्म और इंडस्ट्री के बारे में। उसके बाद हमारा एक और टॉपिक शुरू हुआ था जिसके बारे में मैंने मेंशन नहीं किया, जिसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस एक्टिविटीज को हम क्लासिफाई करते हुए आगे बढ़े, ठीक है, जिसमें हमने इंडस्ट्री के बारे में जाना। ये सबसे पहली हमारी बिजनेस एक्टिविटी थी जिसमें हमने इंडस्ट्री के बारे में जाना, इंडस्ट्री के कुछ टाइप्स जाने जिसमें हमारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री थी, जेनेटिक थी, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में हमने जाना था। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले, ठीक है। तो ये हमारी पहली बिजनेस एक्टिविटी थी जो कि थी इंडस्ट्री, उसके बारे में हम जान चुके। इस वीडियो में हमें जानना है कॉमर्स के बारे में, और कॉमर्स के बाद एक और कॉमर्स के अंदर ही एक पार्ट आएगा, हम टाइप भी कह सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी का, पर वो कॉमर्स के अंदर ही पार्ट आता है ट्रेड, वो हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। कॉमर्स हम अभी थोड़ी देर में पढ़ रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले वाला पार्ट जिसमें हमने इंडस्ट्री के बारे में जाना, प्लांट फार्म इंडस्ट्री के बारे में जाना, वो आपने देख लिया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी या फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, वहां से जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जानने वाले हैं कॉमर्स जो कि बिजनेस एक्टिविटी का ही एक टाइप हमारा आ गया, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जो इससे पहले वाली वीडियो में शुरू किया था हमने, उसमें इंडस्ट्री के बारे में हम जान चुके हैं, इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा डीप में भी जान लिया और उसके टाइप भी जान लिए। अब इस वीडियो में जानेंगे कॉमर्स, ठीक है। तो जल्दी से आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू कर दें इस टॉपिक को जिसका नाम है कॉमर्स। आपसे मैं कई बार कह चुका हूँ खुद के नोट्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो कोशिश किया करिए कि मेरी बात सुनते सुनते और वीडियो को देखते देखते साथ में आप नोट्स भी बनाते हुए चलो, तो आपका बहुत ज्यादा उससे फायदा हो जाएगा। नोट्स आपको फ्री में बिल्कुल अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं एक और बिजनेस एक्टिविटी जो कि हमारी कॉमर्स। तो अगर आसान शब्दों में कहूँ कि कॉमर्स होता क्या है, तो कॉमर्स एक प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो भी प्रोडक्ट हम किसी कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं वो प्रोडक्ट बिल्कुल इजीली उसके पास तक पहुंच जाए, कोई भी परेशानी ना आए, किसी भी तरह की रुकावट ना आए, उन सब चीजों को दूर करने के लिए हमारा प्रोसेस है कॉमर्स, ठीक है। ये तो कोई आसान सी भाषा में हम क्या कह सकते हैं कॉमर्स को, वो बात, ठीक है। अब जानते हैं कि आप एग्जाम में इसको क्या लिख के आएंगे। अब एग्जाम में तो ऐसा कुछ भी लिख नहीं सकते, एग्जाम में आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी होगी जिससे कि आपके वहां पर मार्क्स बिल्कुल बढ़िया करके आपको मिल जाए, ठीक है। तो अब इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। कॉमर्स इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। क्या कह रहे हैं ये, कॉमर्स एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है किसके लिए, गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए। किसके बीच में वो गुड्स एक्सचेंज होंगे, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। इस पूरे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में वो गुड्स एक्सचेंज हो सके, उसके लिए ये पूरा एक कॉमर्स ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, ठीक है। अब वो गुड्स किस किस के बीच में होंगे, एक प्रोड्यूसर होगा, ठीक है, और एक कस्टमर होगा जो उस गुड को यूज करेगा। प्रोड्यूसर से लेके वो कस्टमर तक गुड बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए, बिना किसी रुकावट के पहुंच जाए, बिना किसी परेशानी तक पहुंच जाए, ये इंश्योर करता है हमारा कॉमर्स प्रोसेस, राइट। आगे इट कॉन्स्टिट्यूट अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर। वही चीज यहाँ पर आ गई, कॉमर्स जो है वो प्रोड्यूसर्स और कस्टमर्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक बनाता है, राइट। इट ट्राइज टू डिलीवर द राइट गुड्स टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। तो ये कोशिश करता है कॉमर्स प्रोसेस हमारा कि जो सही गुड है वो सही पर्सन के पास सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाए, ठीक है। ये हो गया हमारे कॉमर्स का एम या फिर ऑब्जेक्टिव। डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेसर जे स्टेफेंसन। तो इनकी भाषा में एक डेफिनेशन है कॉमर्स की जो आप अपने एग्जाम में बहुत आराम से लिख सकते हो, और वहां पर आप अपने मार्क्स जो भी जितने भी मार्क्स में ये डेफिनेशन पूछी जाएगी वो आप गेन कर सकते हो। पढ़ने क्या लिखी है, कॉमर्स इज द सम टोटल ऑफ दोज प्रोसेसेस व्हिच आर एंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस यहाँ पर हमारे होते हैं रुकावटें, ठीक है, जो भी बाधाएं आ रही है उनको हम बोलेंगे हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन में हमारा यहाँ पर आ गया ट्रेड, ट्रेड यानी कि लेन देन, जो पैसों की लेन देन वहां पर होगी, राइट। प्लेस की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस। अब वो प्रोडक्ट जो है, जो भी गुड है, जो भी चीज वो है, वो प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर तक अपने आप चल के तो जाएगी नहीं, किसी चीज में जाएगी, वो ट्रेन हो सकती है, वो कोई ट्रक हो सकता है, तो उस चीज में वो जाएगी, उसका उनको जुगाड़ करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट का। अब जब वो जा रही है, जो भी उसमें प्रोडक्ट है, अगर उसको कुछ भी नुकसान हो गया, उसकी चोरी हो गई, वो जल गया, कुछ भी हो गया, तो उसका इंश्योरेंस होना जरूरी है, राइट। टाइम की अगर हम बात करें तो वहां पर वेयर हाउसिंग हो गई, उनको वेयर हाउस की एक जरूरत पड़ेगी जहां पर वो अपना सारा सामान रख सके और इजीली वहां से जिसकी भी कस्टमर की जो भी डिमांड है वो वहां से पहुंचा सके। इन द एक्सचेंज, अगर एक्सचेंज की बात करें तो वहां पर बैंकिंग आ गई। तो ये सारे कुछ हिंड्रेंसेज हैं, सब रुकावट हैं, इन सब चीजों की देखभाल करता है हमारा कॉमर्स, जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत इजीली कस्टमर तक पहुंच जाए, प्रोड्यूसर से लेके, ठीक है, उन कॉमोडिटीज के लिए। अब जानते हैं इट हेल्प्स टू रिमूव द फॉलोइंग हिंड्रेंसेज। अभी जो कॉमर्स है, यहाँ पर तो हमने इसकी डेफिनेशन जान ली कि क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसका मीनिंग होता है, ठीक है। हम जानने वाले हैं कि जो कॉमर्स है वो किस किस चीज को, किस किस रुकावट को रिमूव करने में हेल्प करता है, फिर दूर करने में हेल्प करता है।
नंबर वन है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, यानी कि ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो पीछे अभी डेफिनेशन में लिखी थी उसी चीज को थोड़ा और यहाँ पर डिफाइन ये कर रहा है, ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस यानी कि ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर आ गई रुकावट जगह की। द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस बट देयर डिमांड कम्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेस सिचुएटेड एट द शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस। तो अब जो प्रोडक्शन हुई है किसी भी गुड की वो तो किसी एक जगह पर हुई है, राइट, लेकिन जो उसकी डिमांड आ रही है वो तो दुनिया के किसी भी कोने से आ सकती है क्योंकि लोग तो सब जगह रह रहे हैं। अब उसके लिए इन्होंने किया ट्रांसपोर्ट, राइट, उस जो भी वो प्रोडक्ट है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। द हिंड्रेंस ऑफ डिस्टेंस इज रिमूव्ड बाय वेरियस मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज रेल, रोड, एयर एंड सी, राइट। समुद्र पार है तो वहां पर शिप ले जाएगा, ठीक है। अगर एक सिटी के अंदर ही है, एक प्रोडक्शन जहां पर हुई है उससे थोड़ी सी दूर है तो वहां पर कोई रोड की हेल्प से वो जा सकता है, ठीक है, रोड पर कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा उससे वो जा सकता है, ट्रेन की हेल्प से वो जा सकता है। तो इससे दूर हुई किस चीज की रुकावट, प्लेस की या फिर जगह की, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। नंबर टू है हमारा हिंड्रेंस ऑफ पर्सन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर आ गए लोगों की वजह से जो प्रॉब्लम आ सकती है उसको भी कॉमर्स ने दूर किया। कैसे दूर किया? द बायर्स एंड सेलर्स आर रिजाइडिंग एट डिफरेंट प्लेसेस एंड ड्यू टू डिस्टेंस फैक्टर्स कॉन्टेक्ट बिटवीन देम इज हिंडर्ड। तो हो क्या रहा था, अब जब जितने भी लोग हैं कस्टमर्स वो बहुत दूर रह रहे हैं, ठीक है, एक जगह पर जहाँ पर प्रोडक्शन हुई है, जहाँ पर प्रोड्यूसर है वो कोई अलग जगह पर है, अब उनके बीच में कुछ लोग भी होते हैं जो उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो उनके बीच में जो कॉन्टेक्ट हो पा रहा था वो बहुत मुश्किल से हो रहा था। तो उसके लिए भी अ चेन ऑफ होलसेलर्स, रिटेलर्स, ब्रोकर्स, एजेंट्स एटसेट्रा ऑपरेट्स बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड ओवरकम्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। तो अब क्या हुआ, जो प्रोड्यूसर और कस्टमर जो सिर्फ दो लोग थे वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच नहीं पा रहा था, उसके लिए चेन बनाएगी जिसमें होलसेलर्स आए, रिटेलर्स आए, ब्रोकर्स आए, एजेंट्स आए, ये सब लोग मिलके एक, इन सब ने मिलके चेन बनाई जो कि आपने बिजनेस में पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। इन सब लोग एक चेन बनी, इन्होंने साथ मिलकर कॉपरेट किया, ठीक है, सारी चीजें उन्होंने संभाली, तब जाके वो जो कस्टमर और प्रोड्यूसर है उसके बीच तक एक प्रॉपर कनेक्शन बन पाया, वो प्रोडक्ट उन तक पहुंच पाया और जो ये रुकावट आ रही थी लोगों की वजह से वो भी दूर हो गई, राइट। अगली जो हमारी हिंड्रेंस है वो हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज यानी कि बैंकिंग। द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरली मेड पॉसिबल थ्रू बैंक्स। अभी जितनी भी पेमेंट होती है जो प्रोड्यूसर लेके कस्टमर तक गुड पहुंचा उसकी पेमेंट भी होगी, तो वो पेमेंट किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई, बैंक की वजह से, राइट। आज के समय आपने देखा होगा कुछ भी हम शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं तो वहाँ पे सीधा ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो बैंक की वजह से हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर वहाँ पर पूरा आ गया, ठीक है, उसका बहुत बड़ा रोल वहाँ पर चल रहा है। अगर बैंक्स ना हो, अगर वो सब हमारे बैंक अकाउंट्स ना हो तो क्या हम पेमेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हमें सीधा कैश जाके उसको देना पड़ेगा और उसके पास से जाके हमें वो अपना प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली बैंक एज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स एक्ट्स टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। तो बैंक ने एज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स उस जो भी रुकावट थी उस एक्सचेंज की उसको दूर किया। बैंक्स ऑफन फाइनेंस इन डिफरेंट वेज, तो उसमें वो कई तरह के फाइनेंस वगैरह भी देता है, तो वो एक अलग चीज हो गई, राइट। तो बैंकिंग यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है जिसमें हम सारी ट्रांजेक्शन अपनी घर बैठे बैठे कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे हिंड्रेंस ऑफ टाइम यानी कि वेयर हाउसिंग। अब समय की भी कुछ रुकावट थी, उसकी वजह से बहुत सारी परेशानी आ रही थी, उसको भी दूर किया हमारे कॉमर्स ने। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंटीसिपेटिंग डिमांड इन द नियर फ्यूचर। द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स इज परफॉर्म्ड बाय वेयर हाउसिंग। अब डिमांड जब अलग अलग जगह से आ रही है तो उनको पहले एक जगह पे उस सारे जितनी भी उन्होंने प्रोडक्शन करी, जितने भी गुड्स उन्होंने प्रोड्यूस करे, उनको पहले एक जगह पे वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, ठीक है। जब वेयर हाउस में वो रख देंगे तो वहां से आसानी होगी उनको दूसरी दूसरी जगह जितनी भी जगह से डिमांड आई है वहां तक पहुंचाने में। अब मान लो एक जगह कहीं प्रोडक्शन हुई है, अब उसी एक जगह से ही उनको वो सारे प्रोडक्ट वहीं पर वो मैन्युफैक्चर भी करें, वहीं से वो अलग अलग जगह पहुंचाए, तो वो काफी ज्यादा एक अजीब सी चीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा उसमें उनका समय जाएगा, ठीक है। तो करते क्या है, जहां पर उन्होंने प्रोडक्शन करी है वहां से वो उस सारे सामान को एक वेयर हाउस तक पहुंचाएंगे, ठीक है। उस वेयर हाउस में एक अलग टीम होगी जो कि उस सामान को कंज्यूमर तक पहुंचाएगी, राइट। तो वेयर हाउसिंग का ये काम हो गया। वेयर हाउस इज रिमूव्ड द हिंड्रेंस ऑफ टाइम बाय बैलेंसिंग द टाइम लैग बिटवीन प्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड दस क्रिएट टाइम यूटिलिटी। तो वही चीज है, अगर प्रोडक्शन की जगह पर वो सारा सामान रखा होगा तो या तो उनको अपनी प्रोडक्शन रोकनी पड़ेगी पहले, क्योंकि जो उन्होंने पहले से सब चीजें प्रोड्यूस करी है पहले उनको वो सब चीजें वहां तक पहुंचानी पड़ेगी जहां से उनकी डिमांड आई है, राइट। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले सारी प्रोडक्शन करी, फिर उन्होंने एक वेयर हाउस का इंतजाम किया, वेयर हाउस में सारा सामान पहुंचाया, वेयर हाउस में एक अलग टीम उनकी काम करती रहेगी लेकिन उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी साथ में अपनी दूसरी जगह चलती रहेगी, ठीक है। तो वेयर हाउस ने भी वो समय का जो बैलेंस था एक लाया, समय खराब होने से बचाया, तो वेयर हाउसिंग भी हुई किसकी वजह से, कॉमर्स की वजह से, ठीक है। आगे हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, एडवर्टीजमेंट एंड सेल्समैनशिप। अब क्या होता था कि लोगों को जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में उसके बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी होती नहीं, ठीक है। नया कोई प्रोडक्ट आया उसके बारे में लोगों को कुछ नहीं पता, तो वो सब चीजें भी, वो सब नॉलेज मिली किस चीज के थ्रू,
एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ठीक है, सेल्समैनशिप के थ्रू। द सेलिंग ऑफ गुड्स इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ अ बिजनेसमैन। तो एक बिजनेसमैन के लिए सबसे लास्ट में प्रॉब्लम क्या आएगी, उस गुड को कैसे बेचा जाए। उसने प्रोडक्शन वगैरह सब कर ली, उसने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया था, उसने प्रोडक्शन शुरू करी, उसने सब कुछ कर लिया। अब जो सबसे लास्ट में दिक्कत आती है, उस प्रोडक्ट को या फिर जो भी गुड्स उसने बनाए उसको अब निकालें कैसे, उसको बेचें कैसे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है बिजनेसमैन के लिए। द प्रॉब्लम इज हाउ द कंज्यूमर एंड द परचेजर्स शुड नो अबाउट द गुड्स। तो प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोड्यूसर है उसने जो गुड्स बनाए हैं वो बिकेंगे कैसे, एक तो प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अब जिसको खरीदना है, जो कस्टमर्स हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि एक ऐसा गुड जो है एग्जिस्ट भी करता है जो उनकी हेल्प कर सकता है। तो इसके लिए हमारी चीज आई एडवर्टीजमेंट और सेल्समैनशिप, जिससे कि प्रोड्यूसर अपने गुड को प्रमोट कर सकता है एडवर्टीजमेंट्स वगैरह की हेल्प से, उन लोगों तक उस चीज को पहुंचा सकता है जिनको वाकई में उसकी नीड है। तो जो कस्टमर है उसकी नीड पूरी हो जाएगी, और जो प्रोड्यूसर है उसकी इस समय नीड क्या है कि उन सारे गुड्स को बेचना और बदले में पैसे लेना, ठीक है, उसकी नीड भी पूरी हो जाएगी। एडवर्टीजमेंट की हेल्प से कस्टमर को सब चीजें पता चल जाएंगी कि जो भी गुड है, ऐसा कुछ गुड जो है एग्जिस्ट कर रहा है, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या उसके फायदे नुकसान है, कितना उसका प्राइस है, सब चीजें उसको उसी एडवर्टीजमेंट से पता चल जाती है। आज के समय में कितने बिजनेसेस आ रहे हैं, कितनी कंपनीज आ रही हैं जो अपने नए नए प्रोडक्ट ला रही हैं, अलग तरीके से वो उनके एड चल रहे हैं, ठीक है, जगह जगह पर हमें उनके एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं, तो हम अवेयर हैं सब चीजों से, राइट। तो वो एडवर्टीजमेंट की वजह से ही है। तो ये जो प्रॉब्लम थी बिजनेसमैन के लिए कि अब उन गुड्स को कैसे बेचा जाए, तो ये भी जो दूर हुई, या फिर कह सकते हैं ये नॉलेज वाली जो रुकावट थी कि जब लोगों को नॉलेज ही नहीं है किसी चीज के बारे में तो वो क्या खरीदेंगे, ठीक है। तो जब कस्टमर्स भी इस सब चीजों से दूर थे तो प्रोड्यूसर के लिए भी ये प्रॉब्लम बन रही थी कि अब वो अपने गुड्स को बेचे कैसे, राइट। तो दूर हुई ये भी एडवर्टीजमेंट की वजह से और सेल्समैनशिप की वजह से, जो कि अगेन किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, कॉमर्स की वजह से। आगे भी वही चीज लिखे थे, प्रॉब्लम इज रिमूव्ड बाय मींस ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सेल्समैनशिप। तो ये जो प्रॉब्लम है रिमूव किसकी वजह से हो पाई, एडवर्टीजमेंट और सेल्समैनशिप की वजह से, ठीक है। आगे हमारा हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब एक रिस्क वाली भी रुकावट आती है। आप सोचो अगर आप कोई खुद प्रोडक्शन किसी चीज की कर रहे हो, एक बड़े स्केल पर आप किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, जब आपको वो सारे गुड्स किसी कस्टमर तक पहुंचाने हैं, ठीक है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, आपको पहले वो सारे गुड्स अपने वेयर हाउस तक पहुंचाने हैं, वेयर हाउस से वो सारे गुड्स कहीं और अलग अलग जगह पर जाएंगे, तो उस बीच में उस सामान के साथ चोरी हो जाती है, ठीक है, वो जल जाता है या फिर कुछ भी वहां पर ऐसी कोई दुर्घटना घट जाती है जिससे कि वो सारा सामान खराब आपका हो जाए, तो उस केस में आपको तो बहुत बड़ा लॉस हो गई होगा, साथ में जो कस्टमर्स की डिमांड थी वो भी सब अधूरी रह जाएगी, ठीक है, उनको काफी ज्यादा एक ट्रस्ट उनका टूट जाएगा कि हमने ऐसा कुछ मंगाया था और वो अभी तक नहीं आया, वो समझ भी नहीं पाएंगे शायद उस चीज को। तो ये जो रिस्क वाली चीज है ये दूर किया इंश्योरेंस ने, ठीक है। बैंक जो है वो अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, वो उनको इंश्योर्ड करवाते हैं बैंक से, राइट। तो उनको पूरा क्लेम मिलता है उस चीज का, अगर उन्होंने थेफ्ट इंश्योरेंस करवाया, उन्होंने फायर इंश्योरेंस करवाया, तो इनकेस अगर उसमें जो भी उनके सामान, जो भी उनका प्रोडक्ट वगैरह थे सारे, अगर उसमें आग लग जाती तो जो कंपनी है वो पूरा क्लेम उनको दे देगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो लॉस से बच जाएंगे। वही सब चीजें यहाँ पर लिखी है, रिस्क इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय वे ऑफ इंश्योरेंस। तो ये जो रिस्क प्रेजेंट होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, उसमें बहुत ज्यादा वैसे रिस्क है, पर ये रिस्क कई हद तक बहुत कम हो जाता है इंश्योरेंस की हेल्प से। इन द सेम वे लॉस ऑफ फायर, थेफ्ट, डैमेज एटसेट्रा कैन बी ओवरकम बाय इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस की हेल्प से चाहे उसमें आग लगे, चाहे उसको चोरी हो जाए वो सारा सामान, चाहे उसमें कोई डैमेज हो जाए, वो सब चीजें क्लेम हो सकती हैं, राइट। तो बहुत बड़ा नुकसान उससे बच सकता है, राइट। फॉर कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू कॉमर्स कैन बी डिवाइडेड टू टू पार्ट्स। अब यही वही चीजें जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमर्स के और भी अभी दो पार्ट है, जो कि ट्रेड और एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी है, जो हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। फिलहाल ये थे हमारे कुछ हिंड्रेंसेस, जो कि कह सकते हैं सारी रुकावटें जो कॉमर्स की हेल्प से दूर होती हैं। कौन कौन सी थी एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस यानी कि ट्रांसपोर्ट, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन जो कि दूर हुई डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन की वजह से। हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज जो कि बैंकिंग की वजह से हो पाया, जो हम एक्सचेंज कर पा रहे हैं इजिली, जो ट्रांजेक्शन हम कर पा रहे हैं गुड्स बदले में ले पा रहे हैं। हिंड्रेंस ऑफ टाइम जो कि वेयरहाउसिंग ने दूर किया। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज जो कि एडवर्टीजमेंट और सेल्समैनशिप ने दूर किया। उसके बाद हमारा एक और लास्ट हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, ठीक है, जो रिस्क वाली रुकावट थी वो हमारी दूर करी इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये थी कुछ हिंड्रेंसेस जो कि कॉमर्स की वजह से हम ओवरकम कर पाते हैं, और कॉमर्स आप जान चुके एक ऐसा प्रोसेस जो कि हेल्प करता है प्रोड्यूसर से जितने भी गुड्स हैं कस्टमर तक पहुंचाने में बिल्कुल इजीली, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हिंड्रेंस के, राइट। तो ये था इस वीडियो का टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह से आगे टॉपिक हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको यहाँ पर कुछ यूजर नेम दिया है इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल के, वहां से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।